हमारे चिल्ले बन के रेडी है पालक और मकई के आटे के, बहुत ही टेस्टी बहुत ही हेल्दी है गाइस, आप अपने घर में इसको जरूर ट्राई करिए। और इसको मैंने सर्व किया है टमाटो की चटनी के साथ। इसकी रेसिपी मैंने पहले भी आपसे शेयर कर दी है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मुनमुन की रसोई। आज हम मुनमुन की रसोई में बनाएंगे मकई के आटे का चिल्ला। जी हाँ गाइस, नमकीन चिल्ला बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही हेल्दी होता है, साथ साथ जो लोग वेट लूज करना चाहते हैं उनके लिए तो मस्ट भी ये चिल्ला जरूर ट्राई करें, ये बहुत ही अच्छा वेट लूज करता है। तो चलिए आइए मैं बता देती हूँ कि मकई का चिल्ला कैसे बनाना है। 1 कप मक्के का आटा, 1/3 कप बेसन, नमक डाल रही हूँ, नमक आप अपने टेस्ट अनुसार डाल सकते हैं, 1 टेबल स्पून, 1/4 स्पून काली मिर्च पाउडर, अगेन ये वेट लूज बहुत अच्छा करता है। पालक का चिल्ला बना रहे हैं तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 फुल बाउल पालक, स्प्रिंग ऑनियन लिया हुआ है, आप इसके जगह पे ऑनियन का भी यूज कर सकते हैं, धनिया 1 फुल बाउल, गार्लिक की जो लीव्स होती है वो को भी मैंने 3 टेबल स्पून लिया है, अदरक और मिर्च का पेस्ट बना लिया था मैंने, 1 इंच अदरक है और 2 चिली है, आप चिली की मात्रा घटाए या बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे पानी से डाल के एक अच्छा घोल तैयार कर लेते हैं, यहाँ पे आप हल्दी का भी यूज कर सकते हैं गाइस, मैं हल्दी नहीं डाल रही हूँ इसमें और ना ही कोई मसाला, मुझे इसमें कोई खास मसाला पसंद नहीं है, मुझे चिल्ला ऐसे ही अच्छा लगता है इसका। ठंडियों का सीजन है, ग्रीन वेज जितना ज्यादा से ज्यादा आप अपने लाइफ स्टाइल में यूज कर सके उतना ही अच्छा है, और ये मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए तो मस्ट भी बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी है। तो मैं तो आपसे सजेस्ट यही करूंगी कि आप ग्रीन वेजिटेबल का जितना ज्यादा ज्यादा यूज करें उतना ही अच्छा है। यहाँ पे मैंने बैटर तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं इस तरह से, बस इसको हम रेस्ट करने के लिए रख देते हैं सिर्फ 5 मिनट के लिए। ये देखिए रेस्ट करते हुए 5 मिनट हो चुका है और ये अच्छे से फूल गया है। आइए अब अपने चिल्ले बना लेते हैं। पैन मैंने चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए और एक बार ब्रश से हल्का सा मैं ग्रीस कर दूंगी इसमें बहुत ही लाइट ऑयल से। तो चलो चिल्ला का बैटर डाल देते हैं। फ्लेम मैंने हाई टू लो किया हुआ है, बहुत तेज फ्लेम पे नहीं है, पतला ही हम इसको फैलाएंगे। चारों ओर से थोड़ा सा मूंगफली का तेल मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, आप चाहो तो मस्टर्ड ऑयल भी यूज कर सकते हो यहाँ पे, और या तो जो कुकिंग ऑयल आप खाते हो वो कुकिंग ऑयल आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ये देखिए बहुत अच्छे से ही कुक हो गया, इसको कुक होने में लगभग 1 मिनट से 1.5 मिनट लगे हुए हैं, और आइए इसको पलट लेते हैं आराम से। और ये देखिए कितना प्यारा कलर आया हुआ है, बस दूसरी तरफ से भी हमें ऐसे ही इसको सेक लेना है, हल्का सा प्रेस कर देंगे इसको तो जिससे ये अच्छे से रेड हो जाएंगे। बहुत ही ज्यादा हमको इसमें रिफाइंड ऑयल की जरूरत नहीं पड़ेगी, और गाइस मक्के का चिल्ला बहुत ही टेस्टी लगता है, आप ट्राई जरूर करिएगा। और चलिए मैं आपको दूसरी तरफ से भी पलट के दिखा देती हूँ, और वाव सुपर बहुत ही फ्लफी है गाइस, मैंने इसमें कुछ भी सोडा वगैरह कुछ भी नहीं डाला, फिर भी आप देख सकते हो कितना फ्लफी है, बहुत ही फ्लफी है और बहुत ही अच्छा बना हुआ है। तो आइए इसको एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं, और ये लीजिए गर्मा गर्म चिल्ला। इस तरह से आपको दूसरा भी डाल के दिखाती हूँ, एक तरफ से भी काफी है, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल किनारे किनारे हम इसके डाल देंगे, एक बार चारों तरफ से ऐसे घुमा देंगे इसको, और ये आप दूसरे भी चिल्ले का कलर देख सकते हैं गाइस। वैसे मैं मूंगफली का इसमें थोड़ा सा तेल लगा दूंगी, यहाँ पे देसी घी का भी यूज कर सकते हैं बनाने के लिए। पालक और मकई के चिल्ले बन के रेडी है, बहुत ही टेस्टी बहुत ही डिलीशियस है, और मैंने इसको सर्व किया है टमाटो की चटनी के साथ। इसकी रेसिपी मैं पहले भी आपसे शेयर कर चुकी हूँ, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।